तो ये है दोस्तों TVS Raider 125 Super Squad Edition Black Panther 125cc सेगमेंट की ये बाइक है दोस्तों। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेब मोटो वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसके प्राइस रेंज के बारे में, बता दूं तो ये आपको 94,000 से लेकर 1,22,000 रुपये तक आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ इसकी साइड बॉडी प्रोफाइल से, तो ये इसकी जो ब्लैक पैंथर वाली स्टिकरिंग है ना दोस्तों, ये आपको काफ़ी तगड़ी देखने में लगती है। यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं सुपर स्क्वाड एडिशन, और यहाँ पर आपको एवेंजर का जो है लोगो मिल जाएगा। और यहाँ पे अगर फ्रंट प्रोफाइल से आप देखेंगे तो आपको ये थोड़ा बम्बल बी का फील दे देती है, तो काफ़ी बढ़िया लगती है देखने में। फ्रंट प्रोफाइल से अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पर आपको जो है DRLs मिल जाती हैं। ऊपर आपको यहाँ पे TVS की ब्रांडिंग क्रोम फिनिशिंग के साथ, यहाँ पे डिजिटल मीटर, RC नंबर प्लेट लग जाती है, रेडर का R जो कि रेडर को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। यहाँ पे LED DRLs का सेटअप मिल जाता है, और फुल LED हेडलैम्प का सेटअप इसमें आपको देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको जो है स्टिकरिंग देख सकते हैं ब्लैक पैंथर की, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों। और यहाँ पर आपको मिल जाती है 240mm की डिस्क ब्रेक, डुअल पिस्टन वाले नॉन ब्रांडेड कैलिपर, ABS इसमें नहीं आता है, कंबाइंड ब्रेकिंग का सिस्टम दे दिया गया है, और टेलीस्कोपिक फोर्क टाइप के सस्पेंशन। और यही अगर मैं टायर साइज़ की बात करूं, तो टायर इसमें आपको मिल जाता है 80/117 का, जो कि ट्यूबलेस टायर दिया गया है पूरी तरीके से। और यहाँ पे 80mm मोटा टायर आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे अगर बाइक प्रोफाइल से आप देखोगे, तो यहाँ पे इंडिया का फ्लैग, एवेंजर का स्टिकर, जो इसकी ग्राफिक्स है वो काफ़ी तगड़ी लगती है। यहाँ पे आपको हेलोजन वाले टर्न सिग्नल्स इंडिकेटर मिल जाते हैं। और यहाँ पर अगर आपको देखेंगे, तो यहाँ पर आपको सुपर स्क्वाड एडिशन और ये ब्लैक पैंथर का आपको चेहरा देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे उसका जो लॉकेट है जो वो पहने रहता है, वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। इंजन की तरफ चलते हैं, तो यहाँ पर आपको मिल जाता है TVS की ब्रांडिंग के साथ इंजन। इंजन और पावर की बात करें, तो इसमें मिल जाता है दोस्तों आपको 124.8 cc का सिंगल सिलेंडर एयर एंड ऑयल कूल्ड इंजन। ये इंजन मैक्सिमम पावर 11.38 PS की 7500 RPM पर और 11.2 Nm का टॉर्क 6000 RPM पर जनरेट करता है। माइलेज की अगर इसमें बात करें, तो ये आपको 60 से 65 का माइलेज निकाल कर दे देती है, जो कि ARI के थ्रू ये माइलेज टेस्ट किया गया है। यहाँ पे आपको रेडर की 3D में स्टिकर मिल जाता है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। और नीचे आपको 66 की एक ग्राफिक्स मिल जाती है, जो कि ब्लैक पैंथर का थोड़ा सा मॉडल को आपको रिकॉग्नाइज करा देता है। यहाँ पर आपको मिल जाता है एडजस्टेबल फुटपेग, जो कि एल्युमिनियम का दिया गया है। और यहाँ पे आपको मफलर मिल जाता है, जो कि वाइट कलर का, और सिल्वर कलर भी कह सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है देखने में। यहाँ पे वकंडा फॉरएवर की ब्रांडिंग मिल जाती है, नीचे आपको ग्राफिक्स मिल जाते हैं दोस्तों। और पीछे आपको ड्रम मिल जाती है 130mm की। पिछले टायर साइज़ की बात करें, तो 190/17 का टायर मिल जाता है, 17 इंच के ब्लैक कलर के अलॉय व्हील के साथ। पीछे आपको मोनोशॉक सस्पेंशन मिलता है, 10 स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको पीछे दे दिया जाता है। और यही अगर मैं बैक प्रोफाइल से बात करूं, तो यहां पर आपको स्प्लिट टाइप की LED टेल लाइट मिल जाती है, और आपको हेलोजन टाइप के टर्न सिग्नल्स इंडिकेटर देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, जो कि काफ़ी अच्छा लुक आपको पीछे से दे देते हैं। 125cc के सेगमेंट में काफ़ी बेहतर और एक काफ़ी ज़्यादा सेल होने वाली मोटरसाइकिल है। ओपन चैनसेट कवर, चैनसेट कवर आपको सिंपल सा देखने को मिलता है ऊपर की तरफ। और यहाँ पर आपको रेडर की ब्रांडिंग मिल जाती है, जहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हैं दोस्तों। बाकी यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर सुपर स्क्वाड एडिशन और ब्लैक पैंथर का चेहरा लगा हुआ है दोनों ही तरफ टैंक में, ये ग्राफिक्स दिया गया है। और यहाँ पर आपको थोड़ा सा नॉन कोटेड कलर पार्ट मिलता है, थोड़ा सा रफ मिलता है। यहाँ पर E20 वाला मॉडल है, और 12 वोल्ट का यहाँ पे आपको चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है, जैसा कि अपनी बाइक को आप चलाते चलाते भी अपने मोबाइल फ़ोन को चार्ज कर पाएंगे। और ये 125 सेगमेंट की है ऐसी बाइक है जिसमें आपको वेव की देखने को मिल जाती है, और फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला मॉडल नहीं है दोस्तों। इसका जो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला मॉडल है, वो इसका टॉप मॉडल है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो मीटर में स्पेसिफिकेशन आपको मिल जाती है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, डिजिटल फ्यूल गॉज, स्पीडोमीटर, RPM मीटर। और यहाँ पर आपको मिल जाता है साइड स्टैंड की वार्निंग इंडिकेटर, और डिजिटल क्लॉक मिल जाती है, इको पावर मोड मिल जाते हैं, इंजन माल फंक्शन मिल जाता है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 मिल जाती है, डिस्टेंस टू MPT मिल जाता है, रियल टाइम एवरेज मिल जाता है। और यहाँ पर आपको क्रोम फिनिशिंग के लीवर्स मिल जाते हैं, अपर डिपर इंडिकेटर, हॉर्न का स्विच और पासिंग का बटन मिल जाता है दोस्तों। काफ़ी लॉन्ग सी शॉर्ट सी हैंडल बार दे दी गई है, यहाँ पर इको पावर मोड का बटन मिल जाता है, यहाँ पर सेल्फ का बटन मिल जाता है दोस्तों। तो बाइक का जो मीटर कंसोल है वो भी ठीक है, आवाज़ भी थोड़ी बेसी है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे लेफ़्ट साइड की तरफ, तो लेफ़्ट साइड की तरफ भी आपको रेडर
रेडर 125 की ब्रांडिंग तो नहीं मिलती है, रेडर की ब्रांडिंग मिलती है, 66 की ब्रांडिंग आपको देखने को मिल जाती है दोस्तों। और यहाँ पर आपको जो है एडजस्टेबल फुटपैक्स मिल जाते हैं। अगर इसके बॉडी कर्व वेट की मैं बात करूँ तो 123 किलो की ये गाड़ी है दोस्तों। 5 गियर मिल जाते हैं, साइड स्टैंड मिल जाता है जिसके ऊपर इंजन कट ऑफ का सेंसर मेन स्टैंड इस बाइक में आपको देखने को मिल जाएगा। 780 mm की इसमें सीट हाइट मिल जाती है और यहाँ पर आपको TVS का लोगो मिल जाता है। स्प्लिट सीट मिल जाती है सुपर स्कॉर्ड एडिशन में, सिंगल सीट का भी ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल जाता है, वो थोड़ा सा सस्ता पड़ता है दोस्तों। जो दोस्तों एक शोरूम प्राइस है वो है 99,837 रुपये और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है दोस्तों वो है 115,343 रुपये। ये मैंने आपको बताई है कियारा TVS हैबत मोर एवरेली रोड लखनऊ की। और भी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब